हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरी एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। कल तो हम रात को गांव आ गए थे, तो अभी देखिए मॉर्निंग से उठ के मैं घर की झाड़ू कर रही हूँ। और ना एक दुख का विषय हो गया, क्या कि मेरे जो देवर के लड़का है ना, भतीजा, उसका ना तबीयत पता नहीं कल क्या हुआ, खराब हो गया। वो रात भर ऐसे रोता रहता है, ऐसे एक एक बार भी सोया नहीं है। तो हम सब खाना खा रहे थे, कल रात को डिनर कर रहे थे, बेड से ऐसे गिर गया, बेड से नीचे गिर गया। तब से वो रोना उसका बंद नहीं हुआ, रात भर ऐसे ही रोता रहा। बीच में 1 मिनट रुक जाता था, फिर रोता था, और इतना ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोता था, बताओ मत। तो देवर देवरानी दोनों मिलके रात को 2 बजे हॉस्पिटल लेके गए, लोकल हॉस्पिटल में। तो लोकल डॉक्टर ने बोला कि कुछ मेडिसिन दिया पेट दर्द का, और बोल दिया कि सुबह पेडियाट्रिक के पास ले जाना। फिर 2 से 3 बजे तक घर वो लोग आए गए, अभी उठ के वो लोग पेडियाट्रिक के पास चले गए हैं सुबह से। तो ये दुख की विषय है। और अभी सास माँ उनका गाय के लिए खाना तैयार कर रहे हैं गौशाला में, और मैं अभी घर का झाड़ू कर रही हूँ। और बाहर का झाड़ू कर लिया सास माँ ने, मैंने जो बर्तन थे रात का, बहुत रात हो गया था, और जब बाबू गिर गया पेट से तो उसके जो रो रहा था तब से बर्तन भी नहीं धुले थे, ऐसे ही पड़े थे, वो बर्तन भी सब अभी मैं धुल के लेके आई हूँ। अब मैं झाड़ू कर रही हूँ, इसके बाद मैं तैयार होकर फिर आप लोग से मिलती हूँ। पता नहीं आज दिन भर क्या क्या होगा। और जिसके बर्थडे है उसके खुशी के लिए हम लोग सब इधर आए थे, और उसका ही तबीयत खराब हो गया, क्या करें। अभी गांव में है ना, वो जो पतली वाली झाड़ू है वो नहीं है, ये वाली झाड़ू है, ये खजूर है ना, खजूर की पत्ते में बनाया गया है, और इसमें जल्दी जल्दी हो जाता है। तो मेरी रूम क्लीनिंग चल रही है, तो टाइम अभी 6:15 हो रही है मॉर्निंग का। तो झाड़ू फाड़ू करके सुबह का काम करके मैं आप लोग के साथ मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी आज भी अच्छे से उजाला हो गया है बाहर, पर अंदर इतना नहीं दिखता है, रूम का लाइट में थोड़ा सा ही दिखता है। वो है ना पापा जी का कमरा था, मैंने अभी झाड़ू करके आ गई हूँ। और ये मम्मी जी का कमरा है, इनके कमरे में ज़्यादा सामान है, हमारा स्टोर रूम में जैसे होता है गांव का होता है घर है ना, ये सारे सामान रखना पड़ता है। तो इधर से भी झाड़ू कर लेते हैं, हमारा मंदिर भी है ऊपर, और इसलिए तो इधर देखिए जो टेंट वाला है ना, उसको बोल दिया गया था कि पहले हमारा फंक्शन है तो वो आके इधर टेंट लगा रहा है। उसको थोड़ी ना पता है कि बाबू का तबीयत ऐसे ख़राब था, पर अभी बाबू भी हॉस्पिटल में है, उसको एक्सरे करने के लिए दिया गया है। उसका बॉडी को कहीं कुछ चोट आ गया है क्या बेड में ऐसे गिरने से, और इधर ये लोग टेंट लगा रहे हैं, पता नहीं, देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स अभी चिल्ला के देखिए, हमारा चावल बैठा हुआ है, वरना वो लोग अभी तक आए नहीं है हॉस्पिटल से, इस बात की दुख है मन में। और इधर मैं चावल बैठाई हूँ, सब ने ब्रेकफास्ट कर लिए हैं, परांठा के साथ सब्जी बनाई थी। तो चूल्हा पे मैं इधर चावल बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा चावल बनता है, जो गैस पे बनाएंगे तो गैस तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए चावल हमारा बाहर चूल्हा पे बिना बना देते हैं, और घर में सब्जी वगैरह गैस पे बनाते हैं किचन में। तो इधर मेरी चावल बन के तैयार हो गई है, उसको मैं पानी ड्रेन करके ले जाऊंगी किचन में। और इधर हस्बैंड है ना, रूम को थोड़ा ठीक कर रहे हैं, मतलब जो सामान इधर उधर होके था, सब गेस्ट आने वाले हैं कल, तो इसलिए कर रहे हैं। देखेंगे बाबू का तबीयत अच्छे से ठीक हो जाएगा तो ये प्रोग्राम चालू रहेगा, नहीं होगा तो फिर ये प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अभी इधर मेरे तो चावल बन गए थे, अब दाल बन रहे हैं, दाल में मैं इधर तड़का लगा रही हूँ। घर का जो मूंग दाल है ना, वो आज मूंग दाल में बनाई हूँ,
और ये देखिए मेरी दाल तो बन के रेडी हो गई है और सब्जी भी मैं इधर बैठा दी हूँ। झींगा मछली के सब्जी के साथ मैंने वेजिटेबल डाल के आज मिक्स वेज वाला सब्जी बना दी हूँ। और ये ना आफ्टरनून के टाइम है और बाबू अच्छा हो के हॉस्पिटल से आ गया था। एक्सरे करने के बाद उसमें से तबीयत पूरा ठीक था, सिर्फ घुटने में थोड़ी सी चोट लगी थी जिसका पेन की वजह से वो रात भर रोता रहा। तो अभी इधर शाम का टाइम बाबू को लेके मैं घूम रही हूँ और जो है ना उस फंक्शन की तैयारी हमारी चल रही है ज़ोर शोर से। इधर देखिए सारे वेजिटेबल्स और ग्रोसरी सामान आ गया है और चावल चीनी आलू और जितना वेजिटेबल ज़रूरत है उतना सब आ गया है घर में। देखिए 400 लोग खाने के लिए अभी इधर जो है ना बाबू का बर्थडे पे सब अरेंज किया गया है। तो इधर सब वेजिटेबल्स मसाला वगैरह ला के रखे हैं और बाहर की तरफ जो टेंट वगैरह लगा दिया गया है थोड़े थोड़े। और बाबू को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है घूमना लेके गोदी में। तो हम माँ बेटे अभी घूम रहे हैं और इधर देखिए टेंट लगा दिए थोड़े से, ये हमारा घर के साइड में है ना इधर लगा दिए। और इधर मेरे हस्बैंड और पापा जी बैठ के लहसुन को है ना छील रहे हैं और मैं अभी ये जो गाजर इसको धुलाई करने लेके जाऊंगी। बापू भी मेरे साथ है, इसमें बहुत सारा मिट्टी है तो इसमें पानी में भिगो दूंगी तो ये जो मिट्टी है वो निकल जाएगा। देवरानी उनका अभी घर के कुछ काम कर रहे हैं, उनके रूम वगैरह ठीक कर रहे हैं तो बाबू को इधर मैं बैठाऊंगी ये जो चटाई डाल के। नीचे बाबू थोड़ी टाइम खेलते रहेगा तो तब तक मैं ये गाजर लेके पानी में डाल के आ जाऊंगी। तो बाबू ना बहुत ऐसे है ना वो चंचल है, कहीं भी एक जगह पर नहीं बैठता है, जल्दी जल्दी इधर उधर भाग जाता है। तो सास माँ उनका गाय को खाना दे रहे हैं और सब काम ऐसे घर लोगों का चल रहा है। देखिए और देखिए मैं गाजर लेके जा रही थी पानी में डालने के लिए, तब तक बाबू ऐसे घूम के जा रहा है और इधर ना इलेक्ट्रिक का तार पड़ा हुआ था तो सास माँ ने आके उसको हटा दिए। अब बाबू को मैं गोदी लेके घूमूंगी और वो जो काम होते रहेगा, ये बहुत चंचल है। तो डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दिया था, उनके मम्मी ने अभी इधर लाके उसको मेडिसिन खिला रहे थे पर मैं उसको गोदी में लेके घूम रही थी, मेरे पास में वो था। तो जो बनेगा खाना इसके लिए देखिए ऑटो में सारा सामान लेके आ गए थे, कढ़ाई पतीला वगैरह। और बाबू और मैं इधर बैठ के थोड़ा खेल रहे हैं, बहुत दिन के बाद मैंने बाबू को देखा है तो मुझे अच्छा लग रहा था इसके साथ खेलने के लिए। ऐसे भी मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। तो इधर बाबू और मैं दोनों खेल रहे हैं, बच्चों को पकड़ना भी ऐसे मुझे बहुत पसंद है। ये डिनर का टाइम है और देखिए लेके आए थे चिकन और चिकन के साथ फिश भी लेके आए थे। तो चिकन को इधर मैं मसाला के साथ थोड़ा ऐसे ड्राई ही बना रही हूँ और उसके साथ रोटी और इसके साथ हमारा फिश करी भी बनने वाला है और उसके साथ चावल, जिसको जो मन करेगा वही वो खाएगा। ये अभी फिश करी के लिए मैं बना रही हूँ। तो आज का वीडियो को मैं इधर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बाबू का बर्थडे सेरेमनी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ।